क्या लग रहा है आपको? अच्छा बता दो, आज जो बात वो देश हित में नहीं है, उत्तर समाज है। आज जो बातें हैं महाराज जी कह रहे हैं तो वो किसी तरीके से संत कभी इस तरीके की बात नहीं। अरे जरूर जो बातें आज कर रहे हैं न तो देश के न समाज के, ये बातें राजनीति में न बहुत से उनके घरों को प्रधानमंत्रियों को भी सुना। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने एक बात और कही कि जो कन्नौज में हुआ तो वही चेहरा समाजवादी पार्टी का है, कभी नवाब सिंह का नाम लेकर के आरोप लगा देते हैं, तो ये राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहिए? देखिए इनफैक्ट कंट्रोल तो हो नहीं रहा है ना, ये देखिए लगातार बढ़ रहे, आज भी संध्या होगा कई घंटे कहीं रुक नहीं रहा है, जो घटनाएं को रोक नहीं पा रहे, विकास हो नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार है जिस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाओं पर जा रही है तो उठ रहे सवाल उठ रहे तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए। तो सब देख रहे हैं इनकी, जो मैंने कहा है कि जो भी गिरफ्तार किए उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। कल गिरीश यादव मंत्री जौनपुर में एक सवाल पत्रकार ने पूछ दिया तो उसके साथ कोई बदतमीजी पर उतर आए, क्या लगता है कि आजकल सवाल पूछना भी खराब हो गया है मंत्री से? ये तो आप लोग जानो, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, जनता को भी नहीं छोड़ रहा, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। जिस तरीके से ताना साहा लड़ाई उठा रहे हैं तो उसका जवाब देखिए सब लोग मिलकर के देंगे, जनता भी देगी, आप लोगों को भी देना चाहिए। आप लोगों ने तो इस तरीके से उनके सामने अच्छा दीपक अब नहीं घुबरने वाला है, तभी तुझे बातें कर रहे हैं। राजनीति में देखिए हमेशा परमानेंट नहीं है कोई सरकार, और सरकार तो बदले और जो परंपराएं जो डाल रहे हैं वो अच्छी नहीं है, वो समय कोई आता नहीं। पत्रकार तो अपने आप बातें करते थे, सब जनता अपने आप और इस तरीके से अगर ये शासन रहा तो जनता पर निर्णय ले ले बहुत जल्दी निर्णय लग रहा है। क्या लग रहा है दो कोई घबराए हुए हैं ये सब लोग, तो क्या लग रहा है 27 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बड़े चुनाव उपचुनाव में क्या स्थिति बदलाव करते हैं, उपचुनाव में क्या देखते हैं और चुनाव में परिणाम अच्छे आ जाएंगे? कोई भी अधिकारी सर बिना पैसा के कार्य नहीं कर रहा, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, क्या कहोगे? भ्रष्टाचार वो तो सब लोग जानते हैं, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है, तहसील में जहाँ जाओ हर कार्यालय में सर बिजली नहीं, किसानों को सही खाद नहीं मिल रही, सबसे वादा तो उन्होंने किया था 24 घंटे
सस्ती बिजली और सबसे महंगी और 6 घंटे बिजली। अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 की जीत के बाद बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रवाना हो जाएगी, अब जो परंपरा डाली है वो तो आगे बढ़ेगी। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।